40 वर्षों में वन्य जीवों की आबादी में 60% की कमी आई है। अवैध वन्य जीव व्यापार सालाना $23 अरब तक का है। हैबिटेट विनाश वन्य जीवों के लिए प्राथमिक खतरा है। 80% प्रजातियां हैबिटेट के नुकसान के कारण कम हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन इकोसिस्टम और माइग्रेशन पैटर्न को बाधित करता है। संरक्षण के प्रयास कुछ मामलों में सफल रहे हैं, जैसे द बाल्ड ईगल पॉपुलेशन रिकवरी। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है और संरक्षण प्रयासों का समर्थन कर सकता है। इकोसिस्टम के हेल्थ और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने और वन्य जीव उत्पादों की मांग को कम करने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण कानूनों के इफेक्टिव कंजर्वेशन और प्रवर्तन के लिए सहयोग आवश्यक है। विलुप्त होने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद।